बोलिए यज्ञ भराड़े महादेव की जय, हरियाली माता की जय, माता की जय, माता की जय, ज्ञान की जय। खुशी है, लाइव चल रहा है, जनता लाइव देख रही है। विजयी भवा ऑफिस खुला आज, विजयी भवा, बस विजय ही विजय हो जी, जी। मंगल ही मंगल हो, सर्व मंगल, मंगलम मंगलम सर्व मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको खुशियां ही खुशियां हो जी। आज के कार्यक्रम के बारे में लगभग 6 लोकेशन पर जो ऑफिस को इनॉग्रेशन की गई है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के पार्लियामेंट के जो इलेक्शन के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी ने आज विधिवत विजयी उद्घोष किया है और पांचों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज हमारे ऑफिसेस का हमने उद्घाटन कर रहे हैं। जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का भव्य ऑफिस यहाँ जम्मू के बख्शीनगर में, उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र का कार्यालय उधमपुर में, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकसभा ऑफिस श्रीनगर में और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑफिस बारामूला में खोला गया है। वहीं अनंतनाग रजौरी पुंछ जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके दो ऑफिसेस, एक अनंतनाग में और दूसरा रजौरी में, उसका भव्य उद्घाटन पूरे जोशों खरोश से आज किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में ये जो लोकसभा के कार्यालय हमने खोले हैं इसका बड़ा महत्व है। पार्टी की सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज लोकसभा की, हमारे लोकसभा के कार्यालयों से, हमारे जो ऑफिसेस, आज 6 ऑफिसेस हमने खोले हैं, इन ऑफिसेस से ये भारतीय जनता पार्टी का भव्य अभियान चलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पेपर अभी बाकी है, रिजल्ट आपने पहले ही घोषित कर दिया। भव्य रिजल्ट होगा, जितना बढ़िया पेपर होता है उतना भव्य रिजल्ट तो आता है। कैसे पता बढ़िया पेपर ही होगा सर? क्योंकि पेपर हम कर रहे हैं, मतलब आप ही डाल रहे हैं, पेपर चेक भी आप ही करेंगे। देखिए रश्मि जी, सर जी बोल ही दीजिए, आप बोल दिया, वही तो मतलब तो वही हुआ ना साफ तौर पर। पेपर इन्होंने अच्छा दिया है तो रिजल्ट आएगा अच्छा। नहीं पहले से तय कर दिया है, ये पीछे की बात कर रहे हैं। नए चेहरों को मौका मिलेगा, फिर से वही चेहरे दोहराए जाएंगे। ये सब नए ही हैं, सुंदर, मेहनती, मेहनत कर, जबरदस्त, ये सिप्पे सलार हैं भारतीय जनता पार्टी के जी। डुग्गर प्रदेश की जनता से स्पेशली क्या कहना चाहिए? जय जयकार है आपकी डुग्गर, जय जयकार है डुग्गर प्रदेश के लोगों सबकी, सबकी, सुनिए हमारे जितने चलिए कलाकार हैं, उद्घाटन उद्घाटन करिए करिए सर, उद्घाटन लाइव उद्घाटन करिए। रश्मि जी आपकी जय जयकार है, डोगरा सैटेलाइट चैनल का मिलेगा, डोगरा सैटेलाइट के चैनल का मिलेगा, देखो तमाशा आप पे, डोगरा सैटेलाइट चैनल का मिलेगा। हां हां पार्लियामेंट कल डोगरी सैटेलाइट चैनल सर, अगर कश्मीरी चैनल हो सकता डोगरी सैटेलाइट चैनल क्यों नहीं? कश्मीरी भी अपना है, डोगरा भी अपना है, तो डोगरा को मिलता क्यों नहीं है, देते क्यों नहीं आप? सबकी जय जयकार है। नहीं नहीं ये सवाल का जवाब, ये जय जयकार तो होनी चाहिए, डोगरी सैटेलाइट आपने शब्द भी नहीं बोला सर। आज जम्मू लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट का ये जो ऑफिस बख्शीनगर के इस चौराहे पे खुला है, ये जोशो खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से जो हमारे सांसद रहे हैं लगातार 2 बार, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब,
उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर इस जो ऑफिस का उद्घाटन किया गया और बड़े जोर शोर के साथ आज हमारी जो 5 पार्लियामेंट्री की सीट हैं उसकी यहाँ पे हवन करने के बाद यहाँ से शुरुआत कर दी गई। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रचार सचिव होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी लगी है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी जहाँ हमारी होर्डिंग्स है, फ्लैक्स है, चाहे ये जो वॉल पेंटिंग का हमारा जो एक कार्यक्रम आया जिसका एक स्लोगन वहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से भाजपा सरकार, ये केंद्र से आया हुआ है, उसका भी मैं जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूँ। तो आज मैं जहाँ जम्मू कश्मीर के सभी हमारे जितने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, यहाँ की जनता है, उनको बधाई देता हूँ कि फिर से एक बार जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से उनके प्रत्याशी को विजय बनाए और 2024 में नरेंद्र मोदी जी जिस सोच को लेकर इस जो अपनी तीसरी पारी में उतरे हैं उसको हम सफल करके लगातार 3 बार उनको जिताकर हमारे जो है जम्मू कश्मीर के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको तो जिताएं, जिसका जो तरफ ये निकलेगा कि हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री जी की फिर से एक बार तीसरी बार जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे जो रुके हुए जो अभी पेंडिंग जो हमारे जो जैसे रोड का काम देखिए, चाहे आप सड़कों का देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का देखिए, किस प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इसको कितनी अपने जो है दिशा से इस कार्यक्रम को लेते हैं और जो रुके हुए कार्य को अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जो है पूरा करें। ठीक है जी। आज जो जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका कार्यालय यहाँ बख्शीनगर के अंदर खोला गया है और इसके साथ साथ हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जम्मू यूटी की, उन सब के कार्यालय खोले गए हैं। उधमपुर में भी खोला गया है और श्रीनगर में भी, बारामूला में भी, और जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अनंतनाग और पुंछ वाली वहाँ 2 खोले गए हैं, एक रजौरी में खोला गया, एक नंदनाग, 6 के 6 कार्यालय जहाँ से हमने आज लॉन्च किए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने। सब सीनियर पार्टी के वरिष्ठ जो लोग हैं वो यहाँ पर आज आए हुए हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व हमारे विधायक, पूर्व MLC, सब एक्स कॉर्पोरेटर्स, पूरा हमारे लोग जहाँ आए हुए, बड़े जोश और खोश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी आगे बढ़ रही है और तीसरी बार हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो एक ही जो उन्होंने 10 साल पहले एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो उनकी स्कीम्स हैं, आखिरी जो गरीब वहाँ तक वो स्कीम का लाभ पहुँचे, चाहे जनधन योजना की स्कीम है, चाहे बाथरूम मिले हमारे, चाहे आवास मिले, हर एक स्कीम के लिए गैस मिले, हमारी जो खासकर मातृशक्ति हमारी बहनें हैं उनके लिए सब स्कीमें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें उनके लिए हैं। और आने वाले समय में हमारा हर एक कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़ा तक ये प्रयास कर रहा है कोई भी हमारे देश में बिना अन्न ना रहे, बिना भूखा ना सोए, उसके लिए गरीबों के लिए अन्न फ्री में बांटा जा रहा है। और आने वाले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने और बढ़ा दिया है। हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहाँ क्या हालत है उसकी राशन की, और हमारे यहाँ जहाँ हर कोई गरीब को राशन मिल रहा है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। शक्ति बंधन जो हमारी मातृशक्ति है उसके लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर एक ग्रुप तक पहुँच रहे हैं, हर बहन तक पहुँच रहे हैं, ताकि अपना जो वोट बैंक है उसको हम 10% और बढ़ा सकें। उसके लिए पोलिंग का 50% जो वोट है, 51% हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत से स्टेटों में हम बढ़ गए हैं, जो हमारे बूथ रह गए हैं उनके ऊपर हम पहले से ही हमने आज से तैयारी कर ली है, पूरी बूथ मैनेजमेंट करके, माइक्रो मैनेजमेंट करके, इस बार भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर की सब सीटें जीतेंगे और NCPDB को एक भी सीट जीतने का मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग वहां इस वक्त उधमपुर के कार्यालय में पहुंचे हैं और जम्मू के इस कार्यालय में हमारे यशस्वी मेंबर पार्लियामेंट हरदिल अजीज जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के इस पार्लियामेंट इलेक्शन के क्लस्टर इंचार्ज हैं, श्रीमान सत शर्मा साहब, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, विवेक गुप्ता साहब, श्यामलाल शर्मा साहब, राजीव शर्मा जी कपाई साहब, और यहाँ रेखा महाजन जी, ओमी खजूरिया साहब, सुनील शास्त्री जी, कश्मीरा सिंह जी और ठाकुर नारायण सिंह जी के साथ साथ यहाँ
सुरजीत सिंह सलाथिया साहब और यहाँ के जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं श्रीमान हरवंत सिंह मनकोटिया साहब और चंद्रमोहन गुप्ता साहब, हमारे फार्मर मिनिस्टर जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब के साथ साथ एमएलसी श्रीमान गिरधारी लाल रैना साहब और श्यामलाल शर्मा साहब और पूर्व मिनिस्टर जनाब मोहतरम श्याम चौधरी साहब जो हरदिल अजीज हमारे नेता हैं, मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं ये जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो पार्लियामेंट के ऑफिस खोले हैं, अब इन ऑफिस से भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन है वहां हम जीत का डंका बजाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। मैं इसके लिए आप सबको मुबारक देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार भव्य ऑफिस खुलेगा, इसके लिए मैं आप सबको निवेदन करता हूं और ये कार्यालय एक्टिविटी का केंद्र बने, चाहे जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट का ऑफिस बख्शीनगर में, उधमपुर कठुआ डोडा उधमपुर में, रजौरी अनंतनाग अनंतनाग में भी और रजौरी में भी, श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट सीट बारामूला पार्लिमानी ऑफिस से भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज से लोकसभा इलेक्शंस के लिए सारी गतिविधियां यहां इस कार्यालय से शुरू होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।